देखो भैया, फिलहाल अभी ना सुबह का टाइम हो चुका है और अभी लगभग सुबह के 5:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं कभी कुमकरण ना सो कर उठी हूँ। एक्चुअली यार डेली क्या होता है ना, डेली तो मैं ही अपने बापूजी के तीनों चटोरे बंदरों को उठाती हूँ, लेकिन आज ना उल्टा ही हो गया। आज मुझसे पहले हमारी ये चटोरी धन्नो भाई आरती सो कर उठ गई और इसी चटोरी ने मुझे भी उठाया, वो भी पता है भैया अपने ढेर सारे सड़ेले ताने मारकर कि ओ भाई कुमकरण चटोरी दीदी और कितना घोड़े भेजकर खर्राटे मार मार कर सोगी। सूरज दादा सर पर आ चुके हैं, सुबह हो गई है, जल्दी उठो। वैसे भी तुम कामचोर चटोरी का क्या ही काम है, बस मस्त उठकर अपने सड़ेले दांतों की घिसाई यानी ब्रश करने के बाद अपनी ढेर सारी किताबें कॉपियां यानी पोथी पत्रा उठाकर पढ़ने बैठ जाओगी। लेकिन मुझ मासूम सी छोटूंगी चटोरी को तो अभी फिलहाल सुबह सुबह के घर के सभी कामों में मम्मी की मदद हेल्प करनी पड़ेगी ना। और भैया इस चटोरी और मम्मी के साथ साथ ये ताने तो मुझे आप लोगों से भी खाने को मिलते हैं कि क्या दी बड़ी दीदी तो आप हो, लेकिन देखो घर के सभी काम तो आपकी ये छोटूंगी बहन आरती करती है। भैया झूठ बोले कौवा काटे, इसलिए मैं चटोरी भी आप लोगों से कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन यार ये तो बिल्कुल सच बात है कि मुझसे ज्यादा ना मेरी ये प्यारी सी छोटूंगी बहन आरती मम्मी पापा की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करती है और खुद से ही अपने मन से ही दिल से हेल्प करती है, कोई से करने के लिए नहीं बोलता है। इसलिए ना हम तीनों चटोरी बहनों में से मम्मी पापा की सबसे राज दुलारी बिटिया रानी ना यही हमारी छोटूंगी चटोरी धन्नो भाई ही है। और यार काफी लंबे टाइम से ना आप सभी के भी ढेर सारे बस यही सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप अपना मॉर्निंग रूटीन तो हमारे साथ कई बार शेयर कर चुके हो, कभी अपनी चटोरी धन्नो भाई आरती का भी मॉर्निंग रूटीन हमारे साथ शेयर करो। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि चलो आज के हमारे इस प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत ना आरती के ही सिंपल से डेली नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन से ही करते हैं और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हमारी ये चटोरी धन्नो भाई सुबह सुबह उठने के बाद कौन कौन से और क्या क्या सारे काम करती है। तो भैया सुबह उठने के बाद सबसे पहले वैसे तो लोग सूसु पॉटी करते हैं है ना, लेकिन एक ये हमारी चटोरी धन्नो भाई है जो भैया बिस्तर से उठते ही ना सबसे पहले तो मस्त लग जाती है सुबह सुबह के घर के कामों में मम्मी की हेल्प करने में। और भैया जहाँ बात रही घर के कामों में मम्मी की मदद करने से ना, तो उसकी शुरुआत ना सबसे पहले आरती घर के सभी रूम के जितने भी सारे सामान होते हैं ना उन्हें अच्छे से अपनी अपनी जगह पर रखकर सभी सामानों को मस्त अच्छे से सेट और ऑर्गेनाइज करके थोड़ा बहुत पूरे रूम को अच्छे से सजाने और संवारने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाकर पूरे घर की साफ सफाई करने से ही करती है। यार पता है हमेशा से ही ना मुझे लगता था कि भैया मेरा जो घर है ना कितना छोटू सा है, लेकिन यार जब से हमारा नया सपनों का घर बना है ना और एक बार जब मम्मी ने इस पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने बोला ना, तब समझ में आया कि नहीं भैया अब मेरा घर ना उतना भी छोटू का नहीं रहा। मुझ कामचोर को तो भैया घर के 2-3 रूम में झाड़ू लगाने के बाद ही मौत आने लगती है, मतलब कमर टेढ़ी और हड्डियों का बिल्कुल कुचुम्बर ही बन जाता है, लेकिन ये चटोरी तो झट से शक्तिमान की तरह पूरे घर में झाड़ू लगा देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले लगाती है, मम्मी भी हेल्प करती है, मतलब यार घर के फ्रंट साइड के सामने के जो 2-3 रूम है ना और बाहर का बरामदा और सड़क वगैरह होता है ना उन सब में तो मम्मी ही झाड़ू लगाती है। बस भैया पीछे के बचे हुए जितने भी सारे बैक साइड के रूम होते हैं ना उन सभी रूम में ये गधी छोटूंगी चटोरी जो है झाड़ू लगाकर मस्त सफाई कर देती है। और इसके बाद ये लो आप लोगों से बातें करते करते फटाफट चटोरी ने रात के बचे हुए जितने भी सारे थोड़े बहुत जो जूठे बर्तन भी होते हैं ना उन्हें भी मस्त अच्छे से घीस घीस कर रगड़ रगड़ कर बिल्कुल शीशे की तरह चमका दिया। यार भैया मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना वैसे भी मैं गधी कामचोर का ही धोती हूँ, दिन भर तो बस चूस चूस कर खाना और कुमकरण की तरह सोना दो ही काम आते हैं, लेकिन अगर कभी भी धो देती हूँ ना तो मेरे हाथों के धुले हुए बर्तन तो मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं, बस सिर्फ ना यही ताना सुनने को मिलता है कि ये क्या है, ये तुमने बर्तन धुले हैं या फिर गंदे करके ले आई हो, जरा कुछ उस चटोरी महारानी आरती से तो सीखो कि बर्तनों को ऐसे धो कि उसमें ना आपका चेहरा चमकने लगे। ये सुनकर जब एक बार मम्मी को मैंने ये बोला कि मम्मी अगर चेहरा ही देखना है तो बर्तनों में क्यों, घर में तो कितने सारे शीशे हैं उसमें देख लो, तो उसके बाद तो भैया मेरी तो बैंड ही बज गई, मम्मी ने मार मार कर बर्तनों के साथ जमकर मेरी भी धुलाई कर दी। पता है भैया मेरी मम्मी का तो यही मानना है कि उन्होंने पिछले जन्म में ना पक्का 50% कुछ ना कुछ अच्छे काम तो जरूरी किए होंगे कि उन्हें इतनी समझदार और केयरिंग हमेशा सबकी हेल्प मदद करने वाली आरती जैसी हीरे जैसी बेटी मिली, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों और ऐसे भी कौन से बाकी के 50% पिछले जन्म में कुकर्म किए होंगे जो उन्हें मेरी जैसी एक नंबर की गधी कामचोर और नालायक बेटी मिली।
लेकिन भैया ये लोग कभी कभी ना मम्मी की इस हीरी जैसी बेटी से भी ना गड़बड़ सियापे और पंगे तो हो ही जाते हैं। अभी बहन जी ने ना जल्दी जल्दी सब्जियों को डलिये में सजाने के चक्कर में सब्जियों पर ढेर सारा तेल गिरा दिया। पहले तो भैया मेरा मन किया ना कि फटाक से मम्मी को बुलाकर उनकी ये प्यारी सी बिटिया रानी की ये करामत ना उन्हें दिखा दूं, ताकि आज कम से कम मेरी जगह इस चटोरी की पिटाई हो जाए। लेकिन फिर भैया गोलगप्पे जैसे फूले हुए इसके सरेले थोपड़े को देखकर ना सोचा कि नहीं यार, अपनी छोटों की बहन आए ना मेरी भी बहुत हेल्प करती है, तो फटाफट मैंने भी सभी सब्जियों को उठाने में और तेल को पोंछने में इसकी मदद कर दी। और इस तरह हम दोनों चटोरी बहनों ने मिलकर ना इस चटोरी के किए हुए इस कांड के सारे सबूत मिटा डाले। भैया मम्मी को तो क्या, उनकी परछाई को भी इसके बारे में कभी भी कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे यार दिल से सच्ची सच्ची बताना कि कौन कौन अपने भाई बहनों को भी इस तरह डांट सुनने या पिटाई खाने से बचाता है। इसके बाद फिर इस शटोरी बंदरिया ने अपना ये बोरिया बिस्तर, मतलब भैया मस्त अच्छे से हमारे इस बेड को भी समेट कर सेट और ऑर्गेनाइज कर दिया। यार भैया काफी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि दी आप लोग अपना बिस्तर ना उठाकर ऐसे समेट कर क्यों रख देते हो, मतलब इसे ना बेड पर ही बस सिर्फ अच्छे से चादर वगैरह थोड़ा बहुत ठीक करने के बाद बिछा हुआ ही ना क्यों नहीं रहने देते हो। तो भैया हमारे यहाँ ना बस सिर्फ मेहमानों के आने पर ही बेड ऐसे ही सजा हुआ और बिछा हुआ रहता है, वरना यार घर पर तो ऐसे ही समेट कर रख दिया जाता है। क्योंकि भैया आप सब तो जानते ही हो कि मेरे घर में एक नहीं बल्कि दो दो छोटूंगे छुछुंदर बंदर है, हमारे टकलू भैया और चटोरी नैना, जो कि भैया अगर बिस्तर बिछा हुआ होता है ना तो वो दोनों गधे लंगूर तो बंदर की तरह उछल कूद कर पूरे बेड की बैंड बजा देते हैं। वैसे यार आप सभी को अपने मम्मी के घर के कामों में से कौन से काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, जहाँ बात रही हमारी चटोरी धन्नो भाई आरती की, तो हमारी आरती को तो पूरे घर को अच्छे से सजा कर सारी चीजें बिल्कुल सेट और ऑर्गेनाइज कर और मस्त पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा क्लीन और मेंटेन करके रखना ना बहुत पसंद है। यार भैया मस्त सुबह सुबह ना बस थोड़ी सी काली काली चाय ब्लैक टी और उसके साथ रोटी नमक पारे मुरमुरे या फिर कोई भी नमकीन बिस्किट वगैरह कुछ भी मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है। और यार चाय के साथ स्पेशली ये नमक पारे और नमकीन सेव ना, यानी जिसे हमारे बिहार झारखंड में निमकी और झिलिया भी बोला जाता है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। किन किन लोगों ने ये खाया है जरूर बताना, मेरे घर में तो भैया सभी का ही फेवरेट है। इसलिए देखो तो मस्त दोनों बुक्कर पीटी राम चटोरी बंदरिया कैसे मजे ले लेकर ठूस ठूस कर भैया देखते ही देखते सब चट कर गई। वैसे हमारी चटोरी धन्नो भाई यानी आरती के किए हुए घर के सारे काम तो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन भैया बस एक ना ये चाय बनाने का ही काम है जो कि भैया सच बताऊँ ना तो बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आता है। अब यार अपने मुंह से ही खुद की तारीफ क्या करूं, लेकिन मेरे घर के सभी लोगों को ना मेरे हाथों की बनाई हुई चाय सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे इस चटोरी बंदरिया को ना चाय बनाने का तो बड़ा शौक है, लेकिन आज तक कभी भी एकदम परफेक्ट चाय ना नहीं बना पाई, मतलब भैया कभी या तो चाय में चाय पत्ती ज्यादा डालकर कड़वी कर देती है या फिर कभी कभी तो एकदम ढेर सारी चीनी का पूरा डब्बा डालकर ही चाय एकदम बहुत ही मीठी बना देती है। वैसे ही आपके घर में सबको किसके हाथों की बनी हुई चाय सबसे ज्यादा पसंद है जरूर बताना। और भैया फिर इधर देखो, मस्त चाय वगैरह पीने के बाद अब बारी आती है पानी भरने की। यार सच ही कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, क्योंकि पानी वाटर यानी जल के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। और इसलिए घर के सभी कामों के लिए, सभी के नहाने धोने और कपड़े धोने के लिए और साथ ही पीने के लिए भी सारा पानी भरने की जिम्मेदारी ना बेचारी हमारी ये चटोरी धन्नो भाई यानी आरती को ही दी गई है। लेकिन चलो भैया पानी के मामले में ना हम सब बहुत ही ज्यादा लकी हैं, क्योंकि यार एक तो हमारे घर में कुआं है और उस कुएं में ना चाहे कितनी भी गर्मी या सूखा क्यों ना पड़ जाए जल्दी कभी भी ना पानी की कमी नहीं होती है, मतलब यार जल्दी हमारा ना कुआं नहीं सूखता है। और साथ ही कुएं में क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा हुआ है तो बस आराम से सिर्फ ना एक स्विच ऑन करके फटाफट ढेर सारा पानी कुएं से बाल्टी तक पहुंच भी जाता है। और साथ ही भैया घर के बाहर भी एक हैंडपंप यानी छापा नल भी है, इसलिए यार एटलीस्ट चलो पानी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और भैया क्योंकि हमारे यहाँ ना बिजली यानी लाइट की भी उतनी कुछ खास दिक्कत नहीं है, मतलब लगभग पूरे 24 घंटे ही ना लाइट रहती है, बस इतना सुबह ही ना 2-3 घंटों के लिए लाइट कट जाती है, इसलिए उससे पहले कि घर की बत्ती गुल हो जाए हमारी ये चटोरी धन्नो भाई आरती फटाफट अच्छे से घर के सभी बाल्टियों और टबों को सर्फ से धुलकर मस्त अच्छे से उनकी सफाई करके सारा पानी मोटर से भर लेती है, वरना भैया इतना सारा पानी कुएं से बाल्टी और रस्सी से खींच खींच कर निकाल निकाल करना और चापा नल हैंडपंप से भी लाते लाते तो इस चटोरी बहन जी की बहन ही बन जाएगी, चटनी कुचुम्बर ही बन जाएगा ना।
भैया बंदरिया की तरह मस्त ढूंगी लगा लगा कर नागी नाच करके अच्छे से सभी बाल्टियों और टबों में पानी भरने के बाद उन सभी कोना रूम के अंदर सजा कर और ढककर रख देती है। और फिर बस उसके साथ ही ना, क्योंकि सिर्फ हमारे इस छोटू से प्यारे से आंगन की सफाई बाकी रहती है, तो इसलिए हमारे इस आंगन में भी अच्छे से झाड़ू लगाकर और फिर पूरे आंगन को भी धोकर आरती ना अच्छे से इसमें भी पोछा लगा देती है। और यार भैया, हमारी बेचारी चटोरी धनो भाई की तो स्पेशली हमारे इस आंगन में पूरे दिन भर पोछा लगा लगा कर ना बैंड ही बज जाती है, क्योंकि यार आप लोग इस रूम को ना हमारे घर का आंगन या फिर बाथरूम जो भी कह लो, क्योंकि फिलहाल तो दोनों ही है, क्योंकि यार फिलहाल तो इसी रूम में ना घर के सभी लोग नहाते हैं एंड यार कपड़े और बर्तन वगैरह भी ना यहीं धुलते हैं, तो उसके चलते ना इस रूम में दिन भर ही पानी गिरता रहता है। और इसलिए हमारी ये चटोरी धनो भाई भी बस दिन भर ना पोछा लेकर उस पानी को साफ करने में ही और आंगन को सूखा रखने में लगी रहती है पूरे दिन भर। बस भैया पोछा लगा लगा कर, पोछा लगा लगा कर बेचारी की तो चटनी कुछ उम्र ही बन जाती है। और भैया जहाँ बात रही पानी की, तो पानी के मामले में आप लोग भी बहुत ही ज्यादा लकी होंगे ना, क्योंकि आप लोगों के घर में भी सप्लाई वाटर टाइम टाइम पर आ ही जाता होगा, घर में नल भी लगा हुआ होगा, तो उतनी कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यार पता है, हमारी तरह ना सब लोग बिल्कुल भी लकी नहीं होते हैं। ना जाने यार हमारे ही भारत देश में, यानी हमारी कंट्री इंडिया में ऐसी कितनी सारी बहुत सारी जगह है जहाँ पर ना सूखा पड़ा हुआ है और पानी की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। लाइक यार स्पेशली इन गर्मियों के दिनों में तो लोगों को लगभग 40 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करके पैदल चल कर ना एक घड़ा एक बाल्टी पानी मिल पाता है। तो यार पानी की असली अहमियत ना हमसे ज्यादा तो वही समझ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि दी उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो सबकी किस्मत की बात होती है ना, जैसी जिसकी किस्मत। यार भले ही हम सब ना उन लोगों की मदद ना कर पाए, लेकिन भैया एटलीस्ट ऐसा भी तो कोई भी काम ना करे ना कि आने वाले टाइम में हमारी भी आने वाली पीढ़ी को भी ना बिल्कुल यही सारी सिचुएशंस, यही सारी परेशानियां और दिक्कतें ना फेस करनी पड़े, उनकी भी ना बिल्कुल ऐसी हालत हो जाए, है ना। उसके लिए भैया हमें ना कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस हम सभी को ना सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पानी को बर्बाद होने से बचाना है। हमें जितनी जरूरत हो और जितने कम से कम पानी में हमारा काम निकल जाए ना, हम सभी को ना उतने ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि यार आज हम सब अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी ना पानी को बचा कर रख सके। यार मैं हमेशा ना यही ट्राई करती हूँ कि मेरे वीडियो से ना आप सभी को कम से कम एक ही सही लेकिन एक अच्छी आदत, एक अच्छी बात तो डेली ही सीखने को मिले। इसलिए यार बस आप सभी से ना यही रिक्वेस्ट है और आप सब ना हमेशा यही ट्राई करना कि आप लोग ना जितना ज्यादा हो सके पानी का कम से कम इस्तेमाल करो और ज्यादा से ज्यादा पानी की बचत कर पाओ। वो कहते हैं ना कि सेव वाटर सेव लाइफ, इसलिए हमेशा याद रखना कि हम सब ना वाटर को नहीं बल्कि अपनी लाइफ को सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर चल ना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले, आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है।